morning, everyone. Welcome to the session. Myself, Gulshan Akhtar, your Paper 1 faculty at Baidu's exam prep. So, aaj ke session mein, we are going to do the most expected questions from communication. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने हैं एंड ये अपकमिंग एग्जाम की बात करें तो डेट्स हमारी आ गई हैं एंड एग्जाम हमारा 13th जून से स्टार्ट हो रहा है राइट अब हमारे पास बस गिनती के दिन बचे हैं आज 9th हो गई गिनती के दिन बचे हैं तो अभी इस टाइम हमें क्या करना चाहिए इस टाइम हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हमसे हो सके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाने चाहिए और रिवीजन करना चाहिए तो इस टाइम कुछ भी नया पढ़ने के चक्कर में आप नहीं रहोगे जितना भी पढ़ चुके हो बस रुक जाओ और रिवीजन करो प्लीज क्वेश्चंस लगाओ एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट्स इट इतना करो एंड रिलैक्स ठीक है आपको रिविजन क्वेश्चन के अलावा भी इस वक्त और कुछ भी नया नहीं करना है 13 से हमारा एग्जाम है सो वी डोंट हैव एनी टाइम So just please make sure कि जितना पढ़ा है उस पे कमांड बना लो रिवाइज कर लो क्वेश्चंस लगा लो दैट्स इट ठीक है 17th को है हाँ सो डेट्स आपकी रिलीज हो गई हैं और डेट्स आप अपने चेक कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज सो वी हैव कॉमर्स सबसे पहले 13th को हमारा सबसे पहले कॉमर्स एग्जाम होने वाला है तो बी प्रिपेयर्ड गाइज एंड यस ऑल द वेरी बेस्ट आप कर सकते हो तो बिल्कुल भी परेशान मत होना आपके अच्छे से एग्जाम्स हो जाएंगे बस आपको रिवाइज अच्छे से करना है जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है एंड क्वेश्चंस लगाते चलो ताकि एग्जामिनेशन में हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेंगे ठीक है यस चलो हाँ चले फिर सेशन स्टार्ट करते एक ब्यूटिफुल से मोटिवेशनल कोट के साथ एंड द कोट इज लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू द बिग रिजल्ट तो अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज प्रोग्रेस करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी गेटिंग अ बिग रिजल्ट तो इसलिए हर रोज के एक छोटे से प्रोग्रेस को अंडर एस्टिमेट मत करना जो भी हम करते हैं चाहे कितना भी छोटा काम हम करें एफर्ट करें अगर हम मेहनत डाल रहे हैं किसी भी चीज में तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू पे ऑफ जैसा कि हम आज एक छोटा सा प्रोग्रेस करने जा रहे हैं हम कम्युनिकेशन के कुछ बहुत ही एक्सपेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज होंगे ठीक है और अब क्योंकि एग्जाम्स आ गए हैं तो हम फटाफट से क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि जल्दी जल्दी से हमारे क्वेश्चंस हो जाएं हमारा उसके बाद टाइम बच जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई कर सकें अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सको आज के सेशन में ठीक है यस हाँ इस बार हमने जो यूजीसी नेट का है ना डेट शीट में देखा कि काफी ज्यादा पैटर्न आपका या आपके जो एग्जाम्स लास्ट में होते थे इस बार हमने पहले देखा जो पहले एग्जाम्स होते थे उसको हमने बाद में देखा जैसे हमारा इंग्लिश लिटरेचर हो गया हिंदी हो गया पॉलिटिकल साइंस हो गया ये सारे जो हमारे पेपर है वो ऊपर आ गए हैं हमारे तो कुछ भी हो सकता है एज वी ऑलवेज से कि यूजीसी कुछ भी पूछ सकता है यूजीसी हमेशा अनएक्सपेक्टेड काम करता है तो आपके क्वेश्चंस भी वो अनएक्सपेक्टेड वे में ही पूछता है हमें पता है कि बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इसलिए गाइस प्लीज बी प्रिपेयर्ड अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके बहुत अच्छे से जाना एंड हैव कॉन्फिडेंस आप कर लोगे ठीक है चलो वॉइस कम आ रही है दिव्या एक बार प्लीज अपना आप वॉल्यूम बढ़ा लो एंड वॉल्यूम बढ़ाने के बाद एक बार ईयरफोन लगा के देखो एवरीथिंग इज फाइन चले करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस ठीक है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे इनमें से असिंक्रोनस कम्युनिकेशन और उसके ड्रॉबैक्स अतुल्यकालिक संचार एवरीवन ओके सो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के ड्रॉबैक सबको लग रहा है बी लेट्स फाइंड आउट क्या बी करेक्ट आंसर होगा आंसर बी नहीं है आंसर विल बी ए ठीक है सो ए दैट मींस हमारा ए और बी ओनली अच्छा सी वाला देखो इट क्रिएट शेड्यूलिंग चैलेंजेस क्यों
आपका लाइव होता तब तो शेड्यूलिंग चैलेंजेस होते हैं, तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, आप जब मर्जी तब देखो। असिंक्रोनस क्या होता है, जो लाइव नहीं हो, विच इज नॉट लाइव। रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड वीडियो आराम से आप कभी भी बैठ के देख सकते हो। तो शेड्यूलिंग चैलेंजेस लाइव वीडियोस में होते हैं कि ऑब्वियसली अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, एज वेल एज हम कह सकते हैं असिंक्रोनस, जब कोई भी चीज लाइव आती है तो लोगों को जो टेलीकास्ट पीरियड है उस टाइम पे एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, बट बिकॉज दिस इज असिंक्रोनस तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं आएगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन यहाँ नहीं होगा। सो यस, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में टोन, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है। अगर हम सामने बैठे हैं, अगर हम एक सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें होंगी बट असिंक्रोनस में नहीं होती है। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजाइजिंग के लिए पॉसिबल या आइडियल नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज स्ट्रेटेजाइज करनी है, जैसे प्लान बनाना है, तो जरूरी ये होता है या बेटर ये होता है कि अगला पर्सन हमारे सामने बैठा हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने अपने आइडियाज शेयर करने हैं, तब भी होता है कि अगला मेरे सामने बैठा हो। तो ये दोनों इसके डिसएडवांटेजेस होंगे सिर्फ। ठीक है, यस। तो जिन्होंने भी सी को आप करेक्ट बोला था, सी नहीं होगा, ये सिंक्रोनस में नहीं, ये सिंक्रोनस में होता है, असिंक्रोनस में नहीं होता है। असिंक्रोनस होता है कि मैंने मैसेज आपको भेजा, आपको वो बाद में मिलेगा और उसका रिप्लाई भी आप मुझे बाद में करोगे। तो बेसिकली यहाँ टाइम ड्यूरेशन का डिले होता है, मैसेज आप तक पहुंच गया, रिप्लाई बाद में करोगे। और क्योंकि ये क्या है कि आपका रिकॉर्डेड है, देयरफॉर यहाँ आपको कोई भी टाइम शेड्यूलिंग में दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग के लिए आइडियल नहीं है। यस, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, एक मेथड है जिसमें हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। स्ट्रेटेजाइजिंग, कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लान बनाना है, तो अगर स्ट्रेटेजी या प्लान बनाना है मुझे, तो जरूरी है कि दो लोग आमने सामने या एक साथ बैठे हों जो बात कर रहे हैं। मैं कुछ बोलूं तो आपको गलत लगे तो आप मुझे बता सको। असिंक्रोनस में कैसे प्लान बनाओगे, मैंने कुछ बोल दिया, अब बाद में आप उसको देख रहे हो, फिर आप मुझे बाद में रिप्लाई कर रहे हो, तो उसमें प्लान बनाने में जो आपका जो सीमलेस प्लान बनता है वो नहीं हो सकता। हम कुछ बोलेंगे फिर आप बाद में कुछ बोलोगे, तो प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे प्लान बनाने में। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन, चलें मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंक्रोनस असिंक्रोनस कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए, मैं एक बार और क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपके ना अलग अलग तरह से ये कॉन्सेप्ट आता ही है। सिंक्रोनस होता है जो लाइव हो, जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो ये सिंक्रोनस है। लाइव का मतलब ये हो गया कि देखो, जो जब मैं आपको मैसेज दे रही हूँ तो मैसेज आप सेम टाइम पे रिसीव कर रहे हो। ठीक है, आपने मैसेज क्या किया, रिसीव सेम टाइम पे किया, और जब आप मुझे फीडबैक दोगे तब वो भी क्या होगा, सेम टाइम पे होगा। इस बात का ध्यान रखोगे कि मैसेज जाना और फीडबैक आना दोनों आपका सेम टाइम पे होगा सिंक्रोनस के अंदर। ये हो सकता है आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो किसी से, आप लाइव कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये सब आपका सिंक्रोनस के अंदर आएगा, जबकि असिंक्रोनस के अंदर आपका आएगा। ठीक है, असिंक्रोनस के अंदर आएगा कि जो लाइव नहीं हो, विच इज नॉट लाइव। रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। ओके, अब सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेवन सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें से पूछा जा रहा है कि जो सी है, सी मतलब कोहेरेंट, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, फेस टू फेस इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन, और सिंक्रोनस असिंक्रोनस आर टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप किस में आएगा, व्हाट्सएप विल बी योर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। देखो, व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेंजर है, तो इवन इफ आप मैसेज किसी को भेज रहे हो बाद में रिप्लाई करे, दैट नॉट अ कंडीशन, बट द थिंग इज कि हम जब मैसेज कर रहे हैं तो अगला पॉसिबल है कि अगला हमें रिप्लाई कर सके सेम टाइम पे, बिकॉज इट्स अ रियल टाइम मैसेंजर। सो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, ये सारे इंस्टेंट मैसेंजर्स होते हैं, एंड दे विल बी काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अच्छा, सबने बोला है कि डी आंसर होगा करेक्ट, कुछ लोग यस, कुछ लोग बी भी बोल रहे हो। तो कोहेरेंट का मतलब डी नहीं होता है, सबने जिन्होंने भी डी बोला है, कोहेरेंट इज नॉट डी। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल होना, एंड इसका आंसर होगा सी।
ठीक है, यस, कोहेरेंट मीन्स द थिंग्स आर लॉजिकली पुट अप. इसका मतलब ये हो जाएगा, कोहेरेंट लॉजिकल, कि जब मैं आपको मैसेज दे रही हूं ना, तो मैं एक सीक्वेंस में मैसेज दूं, और वो सीक्वेंस बड़ा लॉजिकल होना चाहिए कि आपको आसानी से मेरी बात समझ में आ जाए. जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉपिक, तो मैं एक सीक्वेंस में बता रही हूँ, मैं उल्टा फुल्टा नहीं बता रही हूँ, कभी कुछ बता दिया कभी कुछ बता दिया, या घुमा फिरा के नहीं बता रही हूँ कि आपको फिर प्रॉब्लम हो समझने में. कोहेरेंट इज बेसिकली मैसेज इज प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. तो एक बार हम सारे सीज को देखेंगे. जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो सेवन सीज होती हैं. मैसेज क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप में बोलो, बिल्कुल साफ साफ बोलो जो बात करनी है, तभी आपका कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा या अंडरस्टैंडेबल होगा. मैसेज छोटा रखो, बहुत से लोगों की आदत होती है बहुत बढ़ा चढ़ा के या बहुत लंबा कर देते हैं, एक ही बात को चार बार पांच बार रिपीट करते हैं, तो ऐसा मैसेज अच्छा नहीं होता है. आप अगर कोई बात कर रहे हो तो उसको ब्रीफ रखो, छोटा रखो, ठोस बातें करो, पर्टिकुलर ठोस बातें होती हैं. ऐसा नहीं है कि हमने जनरल बातें करी हैं, हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं डायरेक्टली लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, कुछ और या घुमा फिरा के हमने बोल दिया, तो दैट इज कॉन्क्रीट बात नहीं होती है, वो जनरल बात होती है. अगर कोई बात करनी है तो बिल्कुल ठोस बात करोगे तो क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा. आपका मैसेज बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अगर आप लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई आपकी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर आप बोल के कर रहे हो, एज वेल एज ग्रामर का भी आपको ध्यान रखना है कि हम सही व्याकरण का, ग्रामर का यूज करें. ठीक है, मैसेज कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब लॉजिकल होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होगा तो अगले को ज्यादा समझ में आएगी बात. मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, अगर मैसेज कंप्लीट नहीं होगा तब भी बात समझने में हमें प्रॉब्लम होगी. और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्टियस. आपको कोई कितनी भी अच्छी बात बताए लेकिन वो अगर उसका बोलने का टोन अच्छा नहीं हो, वो बहुत रूड वे में आपसे बात करे, तो हमें फिर उसके मैसेज में इंटरेस्ट नहीं होता है, हम गुस्सा हो जाते हैं उसकी बात सुनने से ज्यादा, या सुनते तो है ही नहीं, गुस्सा अलग से हो जाते हैं. तो अगर आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है तो कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस कहाँ से आएगी? इफेक्टिवनेस इज अंडरस्टैंडिंग. तो अगर आपकी, आप चाहते हो आपकी बात कोई सुने और समझे, तो यू हैव टू बी कर्टियस, यू हैव टू बी पोलाइट. अगर आप अच्छे से प्यार से बात करोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे. ठीक, मैसेज साफ साफ होना चाहिए, मैसेज बिल्कुल छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट मींस नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेंटिक बैरियर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, सिमेंटिक बैरियर का उदाहरण. यस, ठीक है, गुड. आई हैव मिक्स रिस्पॉन्सेज, बहुत से लोगों को बी लग रहा है सिर्फ, और बहुत से लोगों को डी लग रहा है, दोनों ए एंड बी. सो इसका करेक्ट आंसर इज डी. अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस एज वेल एज फॉल्टी ट्रांसलेशन दोनों सिमेंटिक बैरियर के अंदर आएगा. सिमेंटिक होता है लैंग्वेज से जुड़ा हुआ बैरियर या वर्ड से जुड़ा हुआ बैरियर. शब्दों से जुड़ा हुआ बैरियर भी आपका किसमें आएगा? सिमेंटिक के अंदर आएगा. लैंग्वेज हम जो यूज कर रहे हैं उसमें जो शब्दों का यूज कर रहे हैं वो आपका सिमेंटिक बैरियर होता है. अब देखो अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस क्या है, कि हम जो मान लेते हैं कुछ चीजें, हम कम्युनिकेशन हो रहा है और कुछ चीज हम पहले से मान ली है, नॉट पहले से मान ली है, आपने मुझे कुछ बोला और वो मैं सुन के मैंने कुछ और समझ लिया. ठीक है, मैं वो बोल नहीं रही थी बट आपने क्या किया, आपने वो सुन के कुछ और समझ लिया, तो ये भी सिमेंटिक के अंदर आएगा. एज वेल एज फॉल्टी ट्रांसलेशन तो आएगा ही, कि आपने मेरे मैसेज को अलग तरह से ट्रांसलेट कर लिया. इसका एग्जाम्पल देखो, कि ये एट ऐसे रखा हुआ है, एट ऐसे हमने लिख दिया है, इसको किसी ने तो एट समझा, किसी ने ये वाला एट समझा, किसी ने इनफाइनाइट समझ लिया, ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है ना, किसी ने वेव का साइन समझा, किसी ने प्रेट्जल समझा, प्रेट्जल जो आपकी आती है राइट, पेस्ट्री के जैसा होता है, आपका डोनट जैसा होता है जिसमें नॉट लगी होती है,
एंड किसी ने समझा कि ये क्या है, डीएनए है, डीएनए का साइन है. सो ये आपका क्या है, ये सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा कि अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं. अब नेक्स्ट आपका अजम्पशन भी किसके अंदर आएगा, सिमेंटिक के अंदर आएगा. क्यों, ये किस तरह का अजम्पशन है, अनक्लैरिफाइड है, हमें क्लियर नहीं हुआ, आपने स्पष्ट नहीं बोला, इसलिए हमने कुछ और समझ लिया, तो ये भी सिमेंटिक के अंदर आएगा. आई होप आई एम क्लियर. अजम्पशन साइकोलॉजिकल होता है बट अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, कि हमने आपने क्लियर नहीं बोला इसलिए हमने ये समझ लिया. अब आपने क्लियर नहीं बोला, आपके शब्द बिल्कुल क्लियर नहीं थे, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि उसकी दो मीनिंग्स निकल रही थी, इसलिए हमने कुछ और मान लिया. सो ये भी क्या होगा, ये आपका सिमेंटिक बैरियर होगा. मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इन केस किसी को नहीं समझ में आया है. सो मैसेज का ट्रांसलेशन गलत हो गया. क्यों हो गया, अभी मैंने 8 वाला एग्जांपल दिया कि आपने जिस तरह से उसको देखा उस तरह से उसको समझ लिया. एक हो सकता है कि आपने क्लियर नहीं बोला, आपके शब्द क्लियर नहीं थे, पर्टिकुलर नहीं थे, इस वजह से हमने कुछ और समझ लिया, कुछ और अज्यूम कर लिया, ये भी सिमेंटिक बैरियर है. ठीक है, हाँ, मोटा वाला एग्जाम्पल आ सकता है यहाँ पे. यस, ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. अब आ जाते हैं प्रसार भारती. प्रसार भारती के कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें से कौन कौन से हैं और प्रसार भारती का करंट नेम क्या है, ये भी मुझे बताना. वॉइस वॉइस प्लीज अपने साइड से चेक कर लो एक बार, यहां से सब कुछ ठीक है. यस, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, हिंदुस्तान समाचार, दूरदर्शन एंड या बोथ ए एंड सी. ओके, वेरी गुड. सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज डी. तो बिल्कुल, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन हमारा प्रसार भारती का कॉन्स्टिट्यूएंट है. प्रसार भारती को इसीलिए बनाया गया था ताकि वो रेडियो और टेलीविजन का बैलेंस डेवलपमेंट का ध्यान रख सके. प्रसार भारती के अंदर दो विंग्स आते हैं, आपका ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ठीक है, ये दोनों आते हैं. अब मुझे बताओ कि प्रसार भारती का करंट नेम, नहीं ऑल इंडिया रेडियो थोड़ी पूछ रही हूँ मैं आपसे, आकाशवाणी तो दूरदर्शन का नाम है, ऑल इंडिया रेडियो नहीं, मैं प्रसार भारती का करंट नेम पूछ रही हूँ. इसका करंट नेम है ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. दिव्या, मैं मुंह से बोल रही होती हूँ, मैं सर से नहीं बोल रही होती हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, प्लीज कनेक्ट द ईयरफोन, आपको बिल्कुल आवाज क्लियरली आएगी. ठीक है, यस, क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. अजर्शन एंड रीजन, सो करेक्ट क्या होगा आपको मुझे बताना है, अजर्शन ठीक है या रीजन ठीक है या एक्सप्लेनेशन भी ठीक है. मॉडिफिकेशन इन द मैसेज अकॉर्डिंग टू ऑडियंस लीड्स टू इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स अकॉर्डिंग टू नीड. तो कौन सा सही होगा? डन. सो यहाँ पे मेजोरिटी ने बोला ए इज द करेक्ट आंसर. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, लेट्स क्विकली हैव अ लुक. यस, ए इज राइट. सो अजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी आपका क्या होगा, ठीक होगा. हैव अ लुक.
मॉडिफिकेशन एंड मैसेज अकॉर्डिंग टू ऑडियंस लीड्स टू इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. मैं अगर मैसेज अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग बोलूंगी तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा. बिल्कुल बात सही है. अब देखो मेरा ऑडियंस कौन है. मैं अगर छोटे बच्चे से बात करूंगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगी, बड़ों से बात कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग बात करूंगी. कोई लिटरेट ऑडियंस है, पढ़ा लिखा है, तो फिर बात उस तरह से होगी. इलिटरेट है तो फिर आप उससे थोड़ा सा मैसेज को बदल के बात करोगे ताकि उसको समझ में आ जाए. कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस है कि मैसेज क्लियर होना चाहिए, मैसेज की अंडरस्टैंडिंग पहुंचनी चाहिए अगले तक. अंडरस्टैंडिंग तभी पहुंचेगी जब आप मैसेज को हर किसी के लिए क्या करोगे, मॉडिफाई कर दोगे. आप उसके तरह बात करोगे तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक बात है. रीजन हम देख लेते हैं. इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट अलग अलग पीपल के अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. तो हर एक इंसान की जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है वो उनके नीड्स के अनुसार अलग अलग होती है, तो रीजन भी ठीक है. अब बिकॉज लगाओ, अगर हम मैसेज को बदल देंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो मैसेज इफेक्टिव हो जाएगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा. क्योंकि जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग लोगों की वो अलग अलग होती है, इसलिए मैसेज सबको एक जैसा ना दिया जाए बट थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर दिए जाए. तो बिल्कुल हमें अजर्शन, रीजन, एक्सप्लेनेशन सब सही लग रहा है, तो आंसर विल बी ए. ठीक, चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं. चैनल रिचनेस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ व्हाट. हम चैनल रिचनेस की अगर बात करें तो ये किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा. ओके एवरीवन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड पढ़ने पे ध्यान दो. चैनल रिचनेस किसमें सबसे ज्यादा होगा. बहुत से लोगों ने बोला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन. तो क्या फेस टू फेस कम्युनिकेशन है. बिल्कुल, इस बात को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना. चैनल रिचनेस पूछा, कभी आपसे पूछ सकता है कौन सा चैनल है जो कम रिच होता है. तो चैनल रिचनेस बेसिकली वो होता है जहां पर हमें हर तरह के वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, फीडबैक भी हमको मिल रहा है सेम टाइम पे. तो अगर ऐसा कोई चैनल है तो वो रिच है, मतलब उसमें सब कुछ है. हम भेज रहे हैं मैसेज, हमें तुरंत फीडबैक भी मिल जा रहा है, उसमें वर्बल क्यूज भी है, नॉन वर्बल क्यूज भी है. दिस इज चैनल रिचनेस. तो यहाँ पर मैं आपके लिए पिक्चर लेके आई हूँ कि आपका सबसे इफेक्टिव से लीस्ट इफेक्टिव मीडियम कौन सा होता है. So, सबसे इफेक्टिव होता है फेस टू फेस, क्योंकि हम आमने सामने होते हैं, हम वर्बल नॉन वर्बल एज वेल एज फीडबैक ये सब कुछ हमें साथ साथ मिल सकता है. फिर इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बिल्कुल फेस टू फेस जैसा ही है, बस एक मीडियम है बीच में. तो कभी कभार ब्रेक जरूर हो सकती है, लेकिन ये क्या होता है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि फिर वर्बल नॉन वर्बल और फीडबैक तीनों मिल गया हमको. इसके बाद टेलीफोन आएगा, क्योंकि हम यहाँ फोन पे हैं तो हम अगले की आवाज से ही समझ सकते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं. थोड़ा बहुत नॉन वर्बल का कंपोनेंट यहाँ पर भी होता है, लेकिन फेस टू फेस या वीडियो जैसा या जितना नहीं होता है. फिर टू वे रेडियो आएगा आपका. आप कोई रिटन डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो वो कम इफेक्टिव होता है. रिटन डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो गया कि मैंने लिख दिया, अब अगला सिर्फ मेरे शब्दों को पढ़ सकता है, मैंने कैसे बोला है उसको कैसे लिखा है, वो नॉन वर्बल बातें इसके अंदर नहीं होंगी. अनएड्रेस्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके मेल्स वगैरह हैं, तो वो तो लीस्ट इफेक्टिव होगा. हमने आपके लिए बनाया भी नहीं है, मतलब आपको ध्यान में रख के बनाया भी नहीं है, ये हमने बस बल्क में बना दिया है, सब तक पहुंच जाएगा. तो इफेक्टिव और लीस्ट इफेक्टिव ये हो गया. अभी आप देखोगे इफेक्टिव रिच मीडियम. तो रिच मीडियम आपका वो मीडियम होता है जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सके और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा क्रिएट कर सके. क्यों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसमें सारे आपके कंपोनेंट्स हैं, वर्बल नॉन वर्बल एज वेल एज, ये वर्बल होगा नॉन वर्बल एज वेल एज फीडबैक का कंपोनेंट. क्लियर है, बस ये तीन बातें याद रखोगे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पार्ट्स ऑफ द बॉडी लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास. वेरी इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है. कौन कौन सा कम्युनिकेशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज का इफेक्ट, मतलब बॉडी लैंग्वेज हमारा इफेक्टिव होगा कम्युनिकेशन के अंदर. आई कॉन्टैक्ट, स्पेशल डिस्टेंस रिड्यूस करना, पर्सनल स्पेस को रिड्यूस करना,
आर्म्स को फोल्ड करके रखना या नॉन कन्फ्रंटेशनल जेस्चर्स? बॉडी लैंग्वेज का की बात हो रही है, इसकी इसका ध्यान रखना, ठीक है? ऑल राइट, सो आई एम गेटिंग एज 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 एन आंसर. क्या ए करेक्ट आंसर होगा? कुछ बी भी मिले हैं मुझे, तो आंसर बी होगा. देखो, आई कांटेक्ट होना बच्चों के साथ कम्युनिकेशन इफेक्टिव करेगा, ये एक बॉडी लैंग्वेज है. आई कांटेक्ट आपका क्या होता है? ऑक्यूलिक्स होता है, एंड आई कांटेक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा. सोशल डिस्टेंस रिड्यूस करना, ये प्रॉक्सिमेस है, ये भी हमारे कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा. और अगर लोग बच्चों से आप थोड़ा सा एक क्लोज कॉन्टैक्ट बना के रख रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी, बिल्कुल. लेकिन पर्सनल स्पेस रिड्यूस करना, पर्सनल स्पेस होता है ना कि हम ज्यादा आपसे फ्रेंडली हो जाएं, क्या ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? नहीं है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और क्या ये बॉडी लैंग्वेज है इन पर्टिकुलर? तो ये बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं है. पर्सनल स्पेस की कमी होना, पर्सनल स्पेस रिड्यूस कर देना, दिस विल नॉट बी काउंटेड अंडर अ बॉडी लैंग्वेज. ध्यान रखो इस बात का, मतलब एक पर्सनल हम थोड़ा सा और ज्यादा क्लोज हो रहे हैं तो वो अलग बात होगी कि हम थोड़ा सा और क्लोज हो रहे हैं बच्चे से, हम एक अच्छा रिलेशन बना के रख रहे हैं, दैट इज नॉट अ बॉडी लैंग्वेज. आर्म्स फोल्ड करके रखने से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा. कि हम ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए हैं तो वो दिखाएगा क्या कि हम इनडिफरेंट हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं. अब ऐसे में कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी. बट यस, नॉन कन्फ्रंटेशनल जेस्टर्स, मतलब अच्छे से पोलाइटली बात करना, आप बच्चों की बातों को सुनो, बच्चों की बातों को ध्यान में रखो, तो ये गैर प्रतिरोधी जो आपके भाव होते हैं ये डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करेंगे. ठीक, क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चों को प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हो, उनकी बातों को सुन रहे हो, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे कह पाएंगे, एंड देयरफॉर कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव. तो ये तीन पॉइंट्स होंगे आपके. EQ होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? नॉन कन्फ्रंटेशनल इज अ पॉजिटिव वर्ड, एंड अगर आप कन्फ्रंटेशनल नेचर के हो कि कुछ भी बच्चे ने बोला डांट दिया, भगा दिया, तब वो अपनी बात आपसे नहीं कहेंगे, अपने प्रॉब्लम्स आपसे नहीं कहेंगे. बट अगर नॉन कन्फ्रंटेशनल जेस्टर्स होगा तो स्टूडेंट्स विल फील फ्री आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आने में, एंड अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी. यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट अफ्तरा. ओके, लेट्स मूव अहेड. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. Delayed feedback in case of intrapersonal communication may happen due to what? Intrapersonal communication जो आप खुद से करते हो, इसमें भी delayed feedback होता है. अब वो क्यों होता है? ठीक है, तो I think बहुत से लोगों ने ये चीज पहली बार सुनी होगी कि खुद से भी बात कर रहे हैं तो उसमें फीडबैक देर से मिल सकता है. तो अब ये क्यों होगा, आप एक बार देखो, समझो, बताओ. डी ऑप्शन कौन सा था? डी ऑप्शन, प्लीज वेट. आर्म्स फोल्ड करके रखा है, आप क्लास में ऐसे खड़े खड़े हो और बता रहे हो, तो वो थोड़ा सा क्या दिखाएगा कि टीचर को हमसे कोई मतलब नहीं है, इनडिफरेंट नेचर शो करता है. और क्या ये ऐसे हाथ मोड़ के खड़े होने से कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी? ये तो बिल्कुल नहीं होगी. ये तो कहीं से भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं करेगा कि आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हो. आप अपने हाथों का प्रॉपर यूज करो. बॉडी लैंग्वेज में ये भी आता है ना कि आप अपने हाथों से कुछ कुछ बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इससे और ज्यादा इफेक्टिव होगा. आप अपने हाथों का यूज ही नहीं कर रहे हो तो कम्युनिकेशन कम इफेक्टिव होगी. यस, ओके. सो कुछ लोग डी बोल रहे हैं एंड ज्यादातर लोग सी बोल रहे हैं, ए भी आ रहा है आंसर. सो जो हमारा डिलेड फीडबैक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, वो ऑप्टिकल इल्यूजन के वजह से होता है. ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ना, कभी कभी हम कोई चीज देखते हैं और हम खुद ही भ्रम खा जाते हैं, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही होगा. पहले तो हम बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं. एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ अ मैसेज, हमने किसी मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया, तो डिलेड फीडबैक तो यहाँ से नहीं आना चाहिए. डायरेक्टनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डायरेक्ट है तो फौरन से समझ में आएगी, फौरन से आपको समझ में आए तो आप खुद से रिएक्ट भी उसको जल्दी से करोगे. प्रॉक्सिमेशन विद द सेल्फ, आप खुद से कितना क्या हो, क्लोज हो, मतलब आप खुद को कितने अच्छे से समझते हो, उसका बस इतना मतलब हो गया.
तो आप अगर खुद को बहुत अच्छे से समझते हो तो ऑब्वियसली आप खुद को फीडबैक भी तुरंत दे सकते हो। जितना ज्यादा हम अपने से क्लोज होंगे उतना ज्यादा हमें इस चीजों के साथ डील करने में मदद मिलेगी। तो डी भी नहीं हो तो अब आंसर क्या है, लेट्स सी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है, जो हमारे आंखों के साथ विजन के साथ ट्रिक ट्रिक प्ले करती है। जैसे मैं आपसे बोलूं इस पिक्चर में देखो क्या दिख रहा है, तो आपको यहाँ तो एक कोई आदमी दिखेगा, यहाँ पर कोई एक लेडी दिखेगी, लेकिन अगर आप एक बार ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा ये किसी एक ओल्ड मैन की पोर्ट्रेट है। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है जहां पर हमारा जो ब्रेन है वो इमेज को डिफरेंटली परसीव करता है देन अ फिजिकल रियलिटी। और अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा टाइम हमें लगेगा समझने में और फिर फीडबैक डिलेड होगा यहाँ पे। होपफुली आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। यस चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अगर हमने आपसे अच्छे से कम्युनिकेट किया है तो कौन से फैक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। यस, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जैसा कि आप सबने बोला। माइक्रो व्यू तो नहीं होगा, अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ऑब्वियसली अगर हम टीचिंग के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन टीचिंग क्या होता है, बच्चों को कंप्लीटली डेवलप करना और एजुकेशन बच्चों के माइंड को ट्रांसफॉर्म करता है। हम चीजों को एक बेटर वे में देख पाते हैं। तो माइक्रो व्यू नहीं होगा कि हम हर चीज को छोटे में देख रहे हैं, हम कम समझ रहे हैं। जब हमारा माइंड डेवलप हो जाता है तो हमारी थोड़ी सी थॉट्स लिबरल हो जाती हैं। सोशल क्लास स्ट्रगल, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट उनके माइंड को डेवलप करता है। ये वाला जो प्रॉब्लम होता है ना कि अगर हम एजुकेटेड हैं, हम वेल एजुकेटेड हैं, तो फिर हम इस तरह से लोगों को डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है, राइट। ये हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि एवरीवन इज इक्वल, तो ये भी नहीं होगा। बट कॉग्निटिव एप्रिसिएशन होगा, पर्सनालिटी डेवलप होगी, बिकॉज टीचिंग के अंदर मेन एम होता है पर्सनालिटी को डेवलप करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना बच्चे का। कल्चरल एस्थेटिक वैल्यू तो एलिमिनेट करके हम आंसर कर सकते हैं, विल बी सी। हाँ, एलिमिनेट करके कर सकते हो, सी होगा आंसर। व्हेन द रिसीवर असाइंस मीनिंग टू अ लैंग्वेज सिंबल इन कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड व्हाट। जब रिसीवर, आपने मैसेज उसको भेज दिया, अब रिसीवर जब उसको समझेगा, ठीक है, वो उसमें मीनिंग अटैच करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, परसेप्शन, रिवर्स लेबलिंग या माइंड मैपिंग। When receiver assigns meaning to language symbol in communication, it is called what? Right. A's भी है answer, B भी है, C भी है। Correct answer क्या होगा? It will be reverse labeling. मैंने आपको message भेजा, मेरे दिमाग में कुछ symbols थे, कुछ message था, मैंने उसको label किया। कैसे label किया? मैंने उसको message का रूप दिया और फिर मैंने आप तक भेजा। अब आपको मिल गया, अब आप उसको समझने के लिए क्या कर रहे हो, उसमें कुछ मीनिंग अटैच कर रहे हो, खुद से उसमें क्या कर रहे हो, अर्थ डाल रहे हो। और आप जो मीनिंग अटैच करोगे ना, वो आपकी समझ के अकॉर्डिंग होगा। मैंने तो कुछ बोला, अब आप उसको कैसे लेते हो, उस मैसेज को कैसे समझते हो, ये आपकी समझ पे डिपेंड करता है। तो जब आप उसमें मीनिंग डालते हो तो दैट इज नोन एज अ रिवर्स लेबलिंग। तो ये रिवर्स लेबलिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम एक बार समझेंगे। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, राइट। तो Once the message is received and examined, the stimulus is sent to the brain for interpretation. जब हमने message को receive कर लिया, तो हमारे brain के पास एक stimulus जाता है कि इस message को interpret करो, right? To assign some types of meaning to it, इसमें meaning attach करो। ये processing stage होता है जहां पर आप मतलब ये decoding के अंदर आता है ये part,
जब आप मैसेज को समझने लगते हो, ये डिकोडिंग का पार्ट है। तो जब एक रिसीवर मैसेज के अंदर मीनिंग अटैच करता है, तो वी कॉल इट व्हाट? रिवर्स लेबलिंग। यस, हाँ जी। चले, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। हॉट मीडिया है आपका, जैसे कि प्रिंट है, फोटोग्राफ्स है, रेडियो है, मूवीज है, इनको हम हॉट मीडिया क्यों बोलते हैं? हमने ये तो पढ़ा है हॉट मीडिया क्या है, अभी आपसे बोला है हॉट मीडिया क्यों बोला जाता है। भाई चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको और पूछा है, बताओ। माइंड मैप, ठीक है, बताती हूँ। हॉट मीडिया आर सो कॉल्ड बिकॉज, डन। सो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा होगा, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। हॉट मीडिया इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाई डेफिनेशन होती है। हाई डेफिनेशन कैसी? हाई डेफिनेशन कैसी? तो देखो, ये कॉन्सेप्ट हमें मैकलुहान ने बताया है, ये नाम भी याद रख लेना, क्या पता वो इस बार हमसे नाम पूछ ले। तो मैकलुहान ने हमें ये कॉन्सेप्ट बताया है कि जैसे प्रिंट मीडिया हो गई हमारी, मीडिया जैसे हो गई प्रिंट, फोटोग्राफ, रेडियो, मूवीज, इनको हम हॉट मीडिया के अंदर रखते हैं। हमारी जो स्पीचेस हैं, टेलीफोन है, ये कोल्ड मीडिया के अंदर आती है। हॉट मीडिया इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाई डेफिनेशन होती है, ये रिच होता है इन सेंसरी डेटा। आपको यहाँ पे कई तरह के स्टिमुलस मिलेंगे, ऑडियो वीडियो आपको सब मिलेगा। तो क्योंकि इसमें हाई डेफिनेशन होती है, ज्यादा इसमें आपके सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से कर सकते हो कि मेरे जो सेंसेस हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होंगे हॉट मीडिया के अंदर। कोल्ड मीडिया जैसे आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो, तो एक सेंस इन्वॉल्व हो रहा है। तो देयरफॉर हॉट मीडिया वो जिसकी डेफिनेशन हाई होती है, रिच होता है, सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व करता है। कोल्ड मीडिया हमारे कम सेंसेस को इन्वॉल्व करता है, जैसे कान से सिर्फ एक बार सुन रहे हो, आंखों से देख भी नहीं रहे हो साथ में, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? आपके कूल के अंदर आ जाएगा। कूल मीडिया के अंदर ये भी होता है कि आपका कम इन्वॉल्वमेंट होता है, मैसेज मिल गया। हॉट मीडिया के अगर अंदर बात करें तो हम काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, तो ज्यादा सेंसेस होंगे तो हॉट मीडिया, कम सेंसेस होंगे कोल्ड मीडिया। पहले दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आप फटाफट से पढ़ लो, मैं चार्जर लगा लूं एंड देन हम देखेंगे इसका आंसर। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ लार्जर कल्चर विल फॉर्म द इमेज ऑफ माइनॉरिटी ऑडियंस। सेकेंड स्टेटमेंट है, टेलीविजन का मीडियम इज ऑफन कंसिडर्ड एज न्यू रिलीजन। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? चलो आ जाती हूँ मैं उस पॉइंट पे कि क्यों इसको हॉट, क्यों उसको कोल्ड बोला गया, उसको भी मैं देखती हूँ। देखो, करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो जो लार्जर कल्चर है वो माइनॉरिटी ऑडियंस के बारे में एक इमेज फॉर्म करता है। यस, तो ये तो सही बात है, लेकिन ये कि हम टीवी को एक नया रिलीजन मान रहे हैं ऐसा नहीं है। टेलीविजन डेफिनेटली हमारे जो पर्सपेक्टिव्स है, जो हमारे देखने का नजरिया, उसको बदलता जरूर है, बट जो हमारा टेलीविजन है इसको न्यू रिलीजन नहीं कहा जा सकता। ये काफी बड़ी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट टू तो गलत है। बट अगर हम स्टेटमेंट वन की बात करें तो ये लार्जर जो कल्चर है डोमिनेट्स द इंटरेस्ट विल शेप द इमेज ऑफ माइनॉरिटी ऑडियंस बिकॉज मीडिया रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन आर शेप्ड बाय डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स एंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है बट सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अच्छा,
देखो टीवी को हमने क्यों कोल्ड मीडिया में रखा है, तो आप यहां से एक चीज और याद रख लो। अभी हमने हॉट मीडिया कोल्ड मीडिया पढ़ा। जो हॉट मीडिया होता है ना, ये हमको बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, डिटेल्ड आप बोल सकते हो, जबकि कोल्ड मीडिया हमको इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है, स्पष्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। बट हॉट मीडिया हमको बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देता है, हाई डेफिनेशन की होती है, इसलिए हमको वो इंफॉर्मेशन ज्यादा बेटर वे में समझ आ जाती है। कोल्ड मीडिया के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमारी इम्प्रिसाइज होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, जैसे कार्टून, तो कार्टून हमको ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं कर रही है। हॉट मीडिया के अंदर अगर हम देखेंगे पिक्चर्स वगैरह हैं, तो हमको क्लियर स्पष्ट इमेज मिल जाती है या स्पष्ट हमको मैसेज मिल जाता है। तो हाई डेफिनेशन होता है, इस कारण समझ आसानी से लगती है हॉट मीडिया। कोल्ड में हमको कोई पर्टिकुलर प्रिसाइज मैसेज नहीं मिल रहा होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक और मुझसे क्वेश्चन आपने पूछा, तो मैं उसको भी आंसर कर दूं यहीं पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। माइंड मैप क्या होता है? तो देखो माइंड मैप हमारा एक टेक्निक होती है चीजों को याद रखने की। जैसे एज अ लर्नर हम माइंड मैप बना के चीजों को याद रखते हैं। हमने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली कि जो हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग है ना, वो तीन कैटेगरी में आएंगे। एक टीचर सेंटर्ड होता है, एक लर्नर सेंटर्ड होता है, और एक हमारा क्या होगा, ऑनलाइन मेथड होगा। टीचर सेंटर्ड के अंदर हमारा जो मेथड आता है उसमें टीचर एक्टिव होता है, फिर आपने सारे मेथड्स को अपने दिमाग में से याद रखा हुआ है। फिर लर्नर सेंटर्ड को आपने इस तरह से याद रखा है, तो आप अपने दिमाग में ना एक चित्र बना रहे हो, ठीक है? आप अपने दिमाग में एक चित्र बना रहे हो, एक इमेज बना ले रहे हो, और उससे आप चीजों को याद रख रहे हो। तो दिस इज अ माइंड मैप। माइंड मैप का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? एनीवन? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं समझ में, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मुझे बताओ माइंड मैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ओके, मैं बता देती हूँ, टोनी ब्यूसन, राइट? इन्होंने हमें माइंड मैप का कॉन्सेप्ट दिया था कि हम माइंड में अपने इमेज बना के चीजों को याद रखते हैं। सिर्फ यही नहीं होता है, हम चित्रों से भी चीजों को याद रखते हैं। जैसे हमने सोचा है, अपने दिमाग में एक इमेज बनाई है, जैसे ही हमें कोई भी चीज याद रखनी है तो हम उस पिक्चर को सोच के वो चीज को याद रख लेंगे। जैसे आपने कहीं का एड्रेस को याद रखा है, ठीक है, तो आपने अपने दिमाग में कोई एक शॉप या कोई एक चौराहा बिठाया हुआ है कि यहाँ से हम फिर यहाँ तक पहुंच जाएंगे ना, तो फिर इसके आगे मैं देख लूंगी। तो आप किसी भी चीज को याद रखने के लिए एक पिक्चर, एक इमेज या किसी भी तरह का ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको हम माइंड मैप बोलते हैं। यस, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपका बोला गया है, जो लार्जर कल्चरल डोमिनेंट होते हैं, जो हमारे बड़े बोल सकते हो जो सोसाइटी है, इसमें हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है। तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी ऑडियंस के बारे में क्या करती है, एक इमेज बना के रखती है। जो हमारा टेलीविजन है या जो भी मीडिया का रिप्रेजेंटेशन है, जो हमको एक मैसेज मिलता है टीवी से, मीडिया से, वो किस फॉर्म में मिलता है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो क्या सोच रही है, क्या समझ रही है माइनॉरिटी के बारे में, उस अकॉर्डिंग हमको मैसेज मिलता है। मतलब इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हो कि इस तरह से होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, और वो क्या सोच रहे हैं माइनॉरिटी के बारे में वो हमको बताया जाता है, और उसी तरह से हम भी उसके ऊपर एक इमेज फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको किसी ट्राइबल पीपल के बारे में जानने को कम्युनिकेशन या मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। अब मीडिया ने जो बताया वही हमारी एक इमेज बन जाती है। तो यही है इसका फर्स्ट स्टेटमेंट का एग्जाम्पल होगा। यस, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डैश इज इक्वेटेड विथ हाई ब्रो कल्चरल कम्युनिकेशन, अनदर वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। अभी हमने एक और नया कॉन्सेप्ट सीखा, हॉट मीडिया कोल्ड मीडिया, अभी हाई ब्रो कल्चरल कम्युनिकेशन कौन सा होगा? फिल्म, स्ट्रीट थिएटर, फोक डांस या क्लासिकल म्यूजिक? ओके, हाँ
वेरी गुड, कुछ आंसर सी है, कुछ डी है, कुछ एकाध ए भी है। करेक्ट आंसर विल बी डी। क्लासिकल जो म्यूजिक होती है आपकी, वो हाइब्रो कल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। अब ये क्या होता है, इसको पहले हम सीखते हैं, जानते हैं। हाइब्रो एरियाज कौन से हैं, जहां सीरियस आर्टिस्टिक आइडियाज आते हैं, ठीक है। जो सीरियस आर्टिस्टिक आइडियाज हैं वो आपके हाइब्रो कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे। सो लेंदी हिस्ट्री, फ्रीक्वेंट एसोसिएशन विथ एलाइट या अपर क्लासेस, जो पहले के टाइम के मतलब क्लासेस होते थे, एलाइट क्लासेस होते थे, वो जिस तरह के कम्युनिकेशन में ज्यादा एसोसिएट करते थे, या जिस तरह का कम्युनिकेशन ज्यादा प्रेफर करते थे, जिस तरह की चीजें ज्यादा प्रेफर करते थे, उसको हम हाइब्रो के अंदर रखेंगे, ठीक है। मतलब ये बड़े लोगों या ऊंचे लोगों की बात कर रहा है यहाँ पर। तो जो हमारे पहले के आप बोल सकते हो कि ऐसे किंग क्वींस थे, वो जिस चीज को प्रेफर करते थे, हमारे जो बड़े बड़े क्लासेस होते हैं वो जिस चीज को प्रेफर करते थे, तो वो हाइब्रो के अंदर आएंगे। कल्चरल कम्युनिकेशन की, वो कैसे कल्चरल कम्युनिकेशन को प्रेफर करते थे, थ्रू क्लासिकल म्यूजिक, राइट। सो इट इज रिगार्डेड एज सोफिस्टिकेटेड चैलेंजिंग काइंड ऑफ म्यूजिक दैट कॉल्स फॉर सर्टेन डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड बैकग्राउंड टू ट्रूली अप्रिशिएट। यस, सो फोक डांसिंग, स्ट्रीट फिल्म्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशंस दैट आर फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड टू फोक कल्चर्स या पॉपुलर कल्चर। दे मे हैव कल्चरल मीनिंग एंड वर्थ ऑफ इट्स ओन, बट दे आरंट ऑफन सीन एज सोफिस्टिकेटेड एंड एलाइटिस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। मतलब ये हमारे पॉपुलर कल्चर को डेफिनेटली क्या करते हैं, ये तीनों एक्सप्रेस करते हैं, बट ये उतना आप बोल सकते हो सोफिस्टिकेटेड मीडियम नहीं होता है, जो टॉप क्लासेस होते हैं उनका मीडियम नहीं होता। जो हमारा हाइब्रो के अंदर आएगा, वो आएगा आपका क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक आर हाइब्रो रिच पीपल की जो पसंद होती है, आप ऐसे याद रख सकते हो, वो इसके अंदर आएगा, हाइब्रो के अंदर आएगा। क्लियर है, रॉयल क्लास बोल सकते हो। यस, तो थोड़ा सा हमें यार ट्रिक लगा के चीजों को याद रखना होगा। हाइब्रो तो इस तरह से याद रख लो कि यस रॉयल क्लास हो गया आपका, रॉयल पीपल हो गए उनकी पसंद, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा थोड़ा सा, एंड क्लासिकल म्यूजिक विल बी द आंसर, ठीक है। चले अब हम नेक्स्ट देखेंगे। लेवल ए, बी एंड सी, तीन तरह के आपको प्रॉब्लम्स दी हुई है कम्युनिकेशन के अंदर। आप तीनों कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, मतलब लेवल ए के अंदर क्या आएगा, बी के अंदर और सी के अंदर क्या आएगा, उसको मैच करके बताओ। आंसर, हाँ एक मिनट, आपने बोला तो मैंने देखा आंसर तो है सामने, चलो कोई बात नहीं, क्या पता आंसर गलत हो, मुझे नहीं पता कि आंसर आ कैसे गया। चलो अभी हम पहले देख लेते हैं, कुछ लोगों ने बी बोला है, कुछ लोगों ने सी एंड ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी लिखा हुआ है, तो देखते हैं सी करेक्ट है या नहीं है। तो लेवल ए प्रॉब्लम क्या होती है, पहले इसको समझो। लेवल ए प्रॉब्लम आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। ये पहले जो हमारे तीन लेवल्स है ना, ए बी एंड सी, ये कॉन्सेप्ट हमको शैनन वीवर ने दिया है। शैनन वीवर ने हमें कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल दिया है, कोई बता सकता है, लीनियर, ट्रांजैक्शनल या इंटरैक्शनल में से? तो जो शैनन वीवर थे ना, उन्होंने ही सबसे पहले नॉइस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉइस के कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, शैनन वीवर ने। अच्छा, तो जब शैनन वीवर ने हमें नॉइस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था ना, तो उन्होंने ये भी बताया था, यस उन्होंने ये भी बताया था कि जो नॉइस होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है कम्युनिकेशन में, वो कुछ ये इन टाइप्स की हो सकती है। वो कौन कौन सी है, टेक्निकल प्रॉब्लम, सिमेंटिक या इफेक्टिवनेस। उन्होंने कहा जब हम कम्युनिकेशन में मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ तकनीकी बाधा हो, जैसे टेलीफोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए आपके, इंटरनेट में, अभी हमारे जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसमें इंटरनेट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई।
लेवल बी की प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, लीनियर मॉडल दिया था शैनन वीवर ने, वेरी गुड। और लीनियर मॉडल में सबसे पहले नॉइस के कॉन्सेप्ट को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। लीनियर में चार मॉडल्स हैं, लैसवेल का, एरिस्टोटल का, बर्लो का और शैनन वीवर का। ये तीनों ने हमें नॉइस के कॉन्सेप्ट को नहीं दिया, इन्होंने नॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, सिर्फ यही थे जिन्होंने नॉइस को पहचाना था। हाँ, सिमेंटिक प्रॉब्लम आती है कि आप जो बोल रहे हो उसका मैसेज का इंटरप्रिटेशन रिसीवर ने उसके अकॉर्डिंग नहीं किया, तो हो सकता है ना दूसरा दूसरे तरह का कम्युनिकेशन में बैरियर ये हो सकता है कि मैंने जो बोला आपने कुछ और समझ लिया, इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुआ, तो ये सिमेंटिक प्रॉब्लम हुई। लेवल सी में आती है इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम, कि मैसेज इफेक्टिव नहीं था, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं थी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं थी, मैसेज सही तरह से बोला गया, इंटरप्रिटेशन भी वो सही तरह से कर लेता, बट यहाँ कुछ और प्रॉब्लम्स आती, इफेक्टिव प्रॉब्लम्स या इफेक्टिवनेस की प्रॉब्लम। जैसे कि मैसेज आपने इतना लंबा बना दिया, लेंदी बना दिया कि अगले को नहीं समझ में आया आपकी बात पूरी, आपने आधा अधूरा मैसेज दिया, तो कुछ और चीजें जो कम्युनिकेशन के अंदर बाधा क्रिएट कर सकती हैं, टेक्निकल और सेमांटिक को छोड़ के, वो सब लेवल सी के अंदर उन्होंने रखा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर सेम है। ठीक है, सो ये आपके लेवल सी प्रॉब्लम है, लेवल सी में बाकी सब कुछ आएगा अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एंड सिमेंटिक प्रॉब्लम्स। सो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी के प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, लेवल ए जो तकनीकी बाधा हो सकती है, लेवल बी जो आपके शब्दों से जुड़ी हुई बाधा हो सकती है, इसके अलावा कोई भी बाधा आपके लेवल सी के अंदर आएगी, ये कॉन्सेप्ट हमको शैनन वीवर ने दिया है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने अभी कमेंट आपका देखा, आप मुझसे पूछे थे मैम यहाँ वैले किसके अंदर आएगा, तो आपका जो हाइब्रो हाइब्रो कल्चरल कम्युनिकेशन है उसके एग्जाम्पल्स थोड़ा सा आप लिख लो, तो आपको उसको याद कर लेना इन केस पूछा जाता है। तो हाइब्रो कम्युनिकेशन के अंदर अभी हमने पढ़ा क्या, क्लासिकल तो आएगा आपका, क्लासिकल कम्युनिकेशन, क्लासिकल म्यूजिक आएगा, ओपेरा आएगा, बैले आएगा एंड क्लासिकल लिटरेचर्स आएगा। क्लासिकल म्यूजिक एंड लिटरेचर, ठीक, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। एक बार और एक्सप्लेन करती, अभी क्लियर हो गया होगा आपको, ओपेरा, बैले, क्लासिकल म्यूजिक और लिटरेचर, ये सारे आपके हाइब्रो कल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर होंगे। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। शैनन वीवर के तीन प्रॉब्लम्स, आपके तीन लेवल्स के प्रॉब्लम होते हैं, एक तो हो गया तकनीकी बाधा, एक तो हो गई आपकी शब्दों से जुड़ी हुई, इसके अलावा भी तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, वो लेवल सी के अंदर रखा शैनन वीवर ने। ओके, नेक्स्ट अगेन, आपको आज सारे क्वेश्चंस बहुत अलग लग रहे होंगे कम्युनिकेशन के, सो मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चलिए अब हम स्टेटमेंट वन और टू को देखेंगे, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और नॉन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन की यहाँ पे आपसे बात करी जा रही है, और दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो करेक्ट क्या होगा। और कितने क्वेश्चंस है, मैं 20 क्वेश्चंस लेके आई थी, बट आई कैन सी हो नहीं पाएगा, जितने हो पाएंगे हम उतने करेंगे, बिकॉज मेरा फोकस हमेशा रहता है कि मैं क्वेश्चंस नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन, जितना भी पढ़ा रही हूँ उसका एक्सप्लेनेशन पूरा दूं, इसलिए मेरा सेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ओके, ए बी ए बी, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि पहली स्टेटमेंट, ठीक है, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही गलत दी हुई है यहाँ पर। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होलनेस की बात नहीं करता, यूनिटी की बात नहीं करता, ऐसे याद रखो ना, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज में देखो लोग एक साथ मिलजुल के नहीं, जैसे ही बच्चे 18-19 साल के होते हैं वो दूसरे घर चले जाते हैं, वो अपना अलग रहने लगते हैं पेरेंट्स से, तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो होलनेस यूनिटी की बात नहीं करता। अब हमारे इंडिया के कल्चर को देखो, हमें तो एक साथ ही सब चीज चाहिए, अगर हम अलग भी रह रहे हैं तब भी हमें दूसरों से ही मतलब होता है, हम दूसरों के ही लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, नॉट एवरीवन बट हाँ मेजोरिटी। तो नॉन वेस्टर्न स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ इंडिविजुअलिज्म नहीं होता है, तो
तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, देखेंगे जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ पसंद करते हैं, जो ईस्टर्न कल्चर है जैसे हम हैं जापान, फोकस इज ऑन कलेक्टिव अप्रोच। ठीक, यस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है? बी इज द राइट आंसर। ओके चलो, ऑपोजिट दिया। यस, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन जोन्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्टेंस। तो यहाँ ये प्रॉक्सिमिस का सीक्वेंस आपसे बस पूछ रहा है, प्रॉक्सिमिस का सीक्वेंस। आसान है, करके बताओ। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले इंटीमेट जोन आता है, फिर आपका पर्सनल आएगा, फिर आपका क्या आएगा इसके बाद, पर्सनल के बाद सोशल आएगा, और फिर इसके बाद आएगा पब्लिक जोन। तो सबसे पहले बहुत क्लोज लोग, जिससे हम बहुत क्लोज हैं, तो उससे इंटीमेट जोन के अंदर रहेंगे, मतलब काफी नजदीक। एक होता है पर्सनल जोन। पर्सनल जोन ये होगा कि ठीक है, आप बहुत ज्यादा उससे क्लोज तो नहीं हो, बट फ्रेंडली नेचर के हो, या आप ऑफिस में हो, किसी से बात कर, किसी को जानते हो, तो उससे आप एक पर्सनल स्पेस मेंटेन करके रखते हो। फिर एक सोशल स्पेस होती है, जैसे हमारे नेबर्स हैं तो हम उनसे एक सोशल स्पेस मेंटेन करते हैं। और फिर एक पब्लिक स्पेस होती है जो अननोन है, जिनको हम नहीं जानते। तो आईपीएस के साथ एक पी जोड़ दो, तो ये हमारा एक तरीका होगा इसको याद रखने का, इंटीमेट, पर्सनल, पब्लिक एंड सोशल एंड पब्लिक। यस, तो इसके आप डिस्टेंस भी याद रख लेना प्लीज, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो वी नेवर नो कि हमसे इस बार शायद वो डिस्टेंस पूछ ले कि इसमें कितना डिस्टेंस होता है, इसमें कितना डिस्टेंस होगा। अब देखो, हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो नाप के नहीं कि नहीं, ये हमसे बहुत क्लोज है तो हम इससे 18 इंच के अंदर ही रहेंगे, हम ऐसा नहीं होता। मतलब तो एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आपको बताया गया है कि इतना होता है। ओके राइट, अब हम अगले उसके ऊपर आएंगे, क्वेश्चन के ऊपर। ओटीटी क्या है? ओटीटी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यूज हो रहा है। तो ओटीटी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन ट्रेड टेलीकास्ट, ऑनलाइन टेलीविजन टेलीकास्ट, ओवर द टॉप या ऑनलाइन द टॉप। यस, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। चलो मैं बताती हूँ, इट विल बी ओवर द टॉप। ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ओटीटी के अंदर क्या आएगा, ये जो नेटफ्लिक्स वगैरह आप देखते हो, आप बैठ के उसपे अमेजोन प्राइम वीडियोस देखते हो, ये सब आपका ओटीटी के अंदर आएगा। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यूज करती है फॉर स्ट्रीमिंग शोज, मूवी, स्पोर्ट्स एंड अदर चैनल्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑनलाइन। सो एग्जाम्पल इसका हो सकता है आपका नेटफ्लिक्स, एग्जाम्पल हो सकता है आपका ये जो कौन से आपके एप्स आते हैं, जैसे जियो टीवी हो गया आपका, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एयरटेल टीवी, ये सारी चीजें आपके अंदर। हॉटस्टार नहीं, मैं भूल गई सारे नाम, मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ इन सब चीजों को, इसलिए मैं भी भूल रही हूँ। बट यस, ओटीटी आपका नेटफ्लिक्स, एमेजोन प्राइम, जियो टीवी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, बिग बॉस ओटीटी नहीं है। बिग बॉस किस पे आता है, मैं वही चैनल को याद करने की कोशिश, वही आपका ऐप याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, ओवर द टॉप होगा, इसको याद रख लो। हॉटस्टार होगा, यस, वूट, हाँ, ये सारी चीजें देखो आने लगा। अभी मैं आपसे कुछ और एग्जांपल पूछती, पढ़ाई वाला तो नहीं याद आता, लेकिन सारे जिस पे मूवीज आती हैं सब याद है। चलो हो गया, ठीक है। अभी ओटीटी की अगर हम बात करें, ये आसान सा क्वेश्चन, एक बार और मैं देख लेती हूँ उसको। यस, ओटीटी यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्शंस टू स्ट्रीमलाइन इट्स शोज एंड मूवीज।
कौन सा कनेक्शन यूज करता है ओटीटी अपने शोज और मूवीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए? हाँ चलो, इट विल बी हाई स्पीड इंटरनेट। ये तो इजी है, हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा ओटीटी पे स्ट्रीमलाइन करने के लिए शोज एंड मूवीज। ठीक, चले, दैट वाज ऑल। दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, मैं उसको एक बार आपको बस पढ़ के बता देती हूँ। ये जो आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये किसके लिए होता है? ये फॉर द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म होता है, ठीक है, एज वेल एज ये आपका जो फील्ड है वो ये अवार्ड है, ये फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज होगा। तो ये जो अवार्ड आपको मिलता है ये जर्नलिज्म है, इसलिए कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। ये अवार्ड हमारे कम्युनिकेशन के फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है फॉर जर्नलिज्म एज वेल एज हमारे गुड गवर्नेंस, लीडरशिप, फाइटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इनके लिए भी ये अवार्ड प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, आरएसएस का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मास मीडिया में हम आरएसएस का इस्तेमाल करते हैं या हम आरएसएस का यूज होता है। अब ये आरएसएस क्या है? तो बहुत सारे आपके किसी भी वेबसाइट पे जाओगे या कोई एक ऐप होगी तो उसमें आता है ना नोटिफिकेशंस अलाउ कर दो, और जनरली जो हमारे न्यूज चैनल्स वगैरह न्यूज के एप्लीकेशंस होते हैं उसमें ज्यादा आता है कि नोटिफिकेशंस अलाउ कर दो। तो वो आपको अलग अलग टाइम टू टाइम अलग अलग न्यूज प्रोवाइड करते रहेंगे। ये आरएसएस होता है जिसमें है रियली सिंपल सिंडिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। एंड आरएसएस का मतलब, अच्छा ये छोटा सा हो गया है, कोई बात नहीं। इट्स एन इजी वे टू स्टे अप टू डेट विद योर फेवरेट वेबसाइट्स लाइक ब्लॉग्स, ऑनलाइन मैगजीन्स। इट ऑफर्स फीड व्हेनेवर यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर पोस्ट गो अप, मतलब एक नई कोई भी चीज आ रही है तो आपको क्या होता है उसका एक आपके फोन में नोटिफिकेशन आता रहता है। कोई भी नई चीजें ऐड हुई है आपके वेबसाइट पे, मैगजीन पे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। ये आरएसएस फीड्स होते हैं, ठीक है। सो आरएसएस फीड का फुल फॉर्म है रियली सिंपल सिंडिकेशन। इट अलाउज यू एक्सेस टू कंटेंट्स एंड अपडेट्स फ्रॉम वेबसाइट्स इन अ कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट। आरएसएस फीडबैक फीड्स टेक लेटेस्ट हेडलाइंस, न्यूज अपडेट्स एंड कंटेंट एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रियल टाइम। ठीक, सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम संडे को, ठीक है, हम संडे को मिलेंगे। एंड संडे को होगा महामैराथन, जहां पे मैं 2 बजे से 4 बजे तक टीचिंग और रिसर्च का मैराथन कराऊंगी। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन। ये मैराथन आपका संडे को सुबह 12, दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा, जिसमें हम पूरे पेपर 1 को आपके रिवाइज कराएंगे। तो संडे को आपको एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा फॉर द एंटायर पेपर 1 रिविजन। सो प्लीज बी देयर। 2 से 4 मेरी क्लास होगी जिसमें हम टीचिंग रिसर्च को रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो चलो मिलते हैं संडे को, बाय बाय, टेक केयर।